दोस्तों आप स्टॉक में कैसे हम सभी किसी भी शेयर को बाई एंड सेल कर सकते हैं, इसके पहले आपको आप स्टॉक पे एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, जो कि मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में वीडियो शो रहा होगा, उस वीडियो को देख करके आप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब डीमेट अकाउंट आप ओपन कर लेंगे उसके बाद में आप यहाँ पर जो है फंड को ऐड करना होगा, यानी कि कितना फंड ऐड कर सकते हैं, तो मिनिमम आप 100 रुपये ऐड करेंगे, मैक्सिमम आप जितना ऐड करना चाहते हैं उतना इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपको इसमें कुछ पैसे यहाँ पर ऐड करना होता है। उसके बाद में आप किसी भी कंपनी का शेयर यदि बाई करना चाहते हैं एंड सेल चाहते हैं उसे कर सकते हैं। मैं आपको सारी प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप सभी कैसे यहां पर इंट्राडे मार्केट सारी चीजें क्या होते हैं और हम सभी कैसे किसी भी शेयर को बाय कर सकते हैं एंड किसी भी शेयर को कैसे सेल कर सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हर एक डिटेल समझ में आ पाए। चलिए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। उसके पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा और आप सभी देख रहे हैं टिकोर स्मार्ट यूट्यूब चैनल। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप स्टॉक पर शेयर बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको आप स्टॉक को ओपन करना होगा, और एक और इंपॉर्टेंट बात की यदि आप स्टॉक पर शेयर बाय करना चाहते हैं किसी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको एक ट्रेडिंग यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा आप स्टॉक में, जो कि मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और यदि आपको मालूम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके आप स्टॉक में फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम सभी इस एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं और काफी सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट कुछ आपको शेयर यहाँ पर दिखते रहते हैं, लेकिन यदि आप में नहीं दिखता है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर जिस भी कंपनी का आप शेयर बाय करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पर HSCL कंपनी जो हिमांत्री कंपनी है इसका मैं शेयर बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर HSCL आ चुका है, इसे ऐड करने के लिए अपनी स्क्रीन पर तो यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यह जो कि है आपके स्क्रीन पर यहाँ पर ऐड हो चुका है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं शेयर आ चुका है। शेयर का प्राइस भी यहाँ पर आपको दिखेगा, कितना की बढ़ोतरी हो रहा है शेयर में यह भी मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर चार्ट आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको चार्ट बताएगा कि यह कंपनी का शेयर आपको बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप यहाँ पर चार्ट के माध्यम से दे सकते हैं, और आप जिस भी कंपनी का शेयर बाई कर रहे हैं उस पर एक पूरी रिसर्च कर लें कि वह कंपनी अभी लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है। यदि वह आपको कंपनी अच्छा लगता है और काफ़ी उसका ग्रोथ अच्छा है, सही है, डिविडेंड कैसा देता है, तो आप उस कंपनी का शेयर बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चार्ट भी मिल जाता है और यहाँ पर ओवरव्यू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर्स आप जो भी करेंगे यहाँ पर मिल जाएगा, पोर्टफोलियो आपका क्या रहता है यहाँ पर मिल जाएगा। यदि आप इस कंपनी का शेयर बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर बाई पर क्लिक करेंगे। उसके पहले एक मैं आउट ऑफ कंपनी का यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर एक और है क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट। यदि आप एक वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं कि बैंक सेक्टर का और किसी तेल कंपनी का, तो यहाँ पर अलग अलग भी कर सकते हैं, तो क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक नाम दे देंगे, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया ओके। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ब्लैंक रह चुका है, तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है और किसी एक कंपनी का शेयर यदि यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो उसे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यदि SBI बैंक का यदि मैं यहाँ पर ऐड करूँ, तो SBI मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा, तो इसका शेयर यहाँ पर जस्ट ऊपर आ चुका है जो NSE की तरफ से, तो ऐड पर क्लिक करना है, बाय करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस SBI का जो है यहाँ पर शेयर, एक शेयर का दाम है यहाँ पर 513.90 रुपये प्लस 7.25% का बढ़ोतरी चल रहा है। यहाँ पर आपको हर एक डिटेल्स मिलता जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे चार्ट्स में भी आएंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा ओके। तो हम यहाँ पर जो शेयर बाय करने वाले हैं वो मैं बैंक सेक्टर में आ जाता हूँ, यहाँ पर HSCL का मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अभी जो इसका प्राइस 52.35 रुपये चल रहा है, तो यहाँ पर मैं बाय पर क्लिक करता हूँ। बाय पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर डिलीवरी और इंट्राडे मिलता है, तो डिलीवरी में यदि आप रखेंगे तो डिलीवरी आपका क्या होता है कि आपने आपको जब मन करे तब आप यहाँ पर अपने शेयर को बेच सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रख सकते हैं। क्वांटिटी में आप कितना शेयर बाय करना चाहते हैं, यदि दो शेयर बाय करना चाहते हैं तो दो पर क्लिक करेंगे, यदि एक शेयर लेना चाहते हैं तो एक शेयर क्लिक करेंगे। एक शेयर का प्राइस जो भी रहेगा 52.25 रुपीज रहेगा। यहाँ पर लिमिट का ऑप्शन है और मार्केट का ऑप्शन है, और स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट है। यदि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट में यदि जाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस में यदि आप यहाँ पर कंपनी यदि घाटे में जा रही थी तो आपको ज़्यादा घाटा नहीं मिलेगा, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका शेयर जो है ऑटोमेटिक से सेल कर दिया जाएगा ब्रोकर के माध्यम से। तो स्टॉप लॉस मार्केट का वो मतलब होता है, यदि आप मार्केट को रखना चाहते हैं और मार्केट प्राइस पर यदि शेयर को बाय बेचना चाहते हैं तो आप मार्केट को रख सकते हैं। यदि लिमिट में रखना चाहते हैं तो यानी कि लिमिट का मतलब ये हो गया कि आप जो इसका प्राइस है HSCL का 52.30 रुपये यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर 50 रुपये फिट करें कि यहाँ पर 50 रुपये में यदि इस शेयर का प्राइस जो है अगर डाउन होकर के 50 रुपये आता है तो वो ऑटोमेटिक से यह शेयर जो हमें बाय हो जाएगा। चलिए मैं इसे 50 करता हूँ एंड रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 50 प्राइस कर दिया, यानी कि जब इसका प्राइस 50 रुपये होगा ऑटोमेटिक से शेयर बाई हो जाएगा। बाई पर मैं क्लिक करता हूँ। बाई पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्डर यहाँ पर लग चुका है, जो कि अभी यहाँ पर जो है ऑर्डर यहाँ पर कन्फर्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब इस शेयर का जो है कीमत यहाँ पर 50 रुपये होगा उसके बाद में यह शेयर ऑटोमेटिक से परचेज हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यदि इसका मॉडिफाई आप करना चाहते हैं कि हम मुझे अभी इस शेयर को बाय कर लेना है तो मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वहीं 50 रुपये पर आपको यहाँ पर क्या करना है, बढ़ोतरी कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ 51, यदि यह 51 रुपये पर आ जाता है, या फिर 52 में करता हूँ 52 रुपये, 52 पर मैंने कर दिया ओके। तो 52 पर करने के बाद में यहाँ पर जो है सिंपल है और यहाँ पर डे है ओके। रिव्यू ऑर्डर मैं करता हूँ, बाय करता हूँ।
तो जैसे मैंने बाय किया, यहाँ पर आ चुका है। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, शेयर बाय करने से पहले यहाँ पर कुछ फंड आपको ऐड करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फंड जो है 100 रुपये का मार्जिन यहाँ पर ऐड किया हुआ था। और फंड इसमें कैसे हम लोग ऐड करते हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में आपको वीडियो शो रहा होगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। जब आप इसमें फंड ऐड कर लेंगे उसके बाद ही आप शेयर बाय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अवेलेबल टू ट्रेड मैंने यहाँ पर 48 रुपये बचा, क्योंकि मैंने यूज मार्जिन में यहाँ पर 52 रुपये यूज कर ली चुका हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर 100 रुपये ऐड किया था। मिनिमम आप इसमें 100 रुपये ही रख सकते, मिनिमम आप 100 रुपये इसमें ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 52 का शेयर मैंने परचेज किया, तो मेरा अभी अमाउंट जो है अवेलेबल हुआ है 48 रुपये बचा हुआ है। चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको ऑर्डर्स में दिखाता हूँ। ऑर्डर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ मिल चुका है। आपका जो मार्केट ओपन रहता है वह 9:30 पर मार्केट ओपन होता है, एंड आपका 4 बजे शाम को एंड 4 PM में आपका मार्केट क्लोज हो जाता है। यानी इस समय में ही आपको शेयर बाई करना होगा एंड सेल करना होगा। चलिए मैं वॉच लिस्ट में आता हूँ और एक और शेयर मैं आपको बाई करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर यदि लेना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसका प्राइस जो अभी देख सकते हैं 23.10 रुपीज़ यहाँ पर दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको बाई पर क्लिक करना होगा। डिलीवरी या फिर इंट्राडे क्या रखना चाहते हैं, यदि मैं इंट्राडे रखता हूँ तो इंट्राडे में आपका जो है ऑटोमेटिक से 4 बजे के पहले ही, यदि आप शेयर अपने शेयर को सेल नहीं करते हैं तो 4 बजे से पहले ही आपका शेयर जो है सेल हो जाएगा, यानी कि सेल हो जाएगा आज ही। ओके, यहाँ पर क्वांटिटी आपको सेलेक्ट करना है कि आप कितना क्वांटिटी रखना चाहते हैं। लिमिट में यहाँ पर मार्केट यदि रखना चाहते हैं तो मार्केट यानी मार्केट प्राइस का यह मतलब हो गया कि अभी जितना इसका शेयर का प्राइस है उतना में ही आपको इस शेयर को लेना होगा। तो मैं यहाँ पर लिमिट में रखता हूँ और यहाँ पर शेयर का दाम जो है यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस पर मैं आपको दे देता हूँ, दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने एक मार्केट प्राइस और डिलीवरी पर मैंने दिखा दिया है और इंट्राडे करके मैं अभी दिखाता हूँ। ओके, रिव्यू ऑर्डर पर मैंने क्लिक किया, बाई पर मैं क्लिक करता हूँ। बाई पर क्लिक करने के बाद में यह भी शेयर मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, बाई कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, बाई हो चुका है। और अब भी यहाँ पर जो है शेयर का प्राइस 52 रुपये पर नहीं आया, इसलिए अभी शेयर बाई नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट ऑर्डर यह हो चुका है, यानी कि शेयर हमने बाई कर लिया। अब हम लोग जानेंगे कि यदि हमने इंट्राडे अभी लिया है तो हम इसे आपको जो कि सेल करके मैं बताने वाला हूँ। जस्ट मैंने इस पर आपको क्लिक किया और यहाँ पर चार्ट से अलर्ट्स वॉच लिस्ट यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी 23.05 रुपये पर यह अभी जो है शेयर अभी चल रहा है। यहाँ पर यदि हमें सेंट्रल बैंक का जो मैंने शेयर यहाँ पर बाई किया है 23 रुपये में, उसे यदि मैं शेयर सेल करना चाहूँ तो यहाँ पर आना है और सेंट्रल बैंक पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर इस शेयर का जो प्राइस है वह 23.05 रुपये पर आएगा, अभी 10 पर आया है। जस्ट यहाँ पर आपको सेल पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर अभी इसका जो प्राइस है यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वांटिटी आपने कितना लिया उसे डालना है एंड रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक करना है, रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक करना एंड सेल पर क्लिक कर देना। सेल करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जस्ट यहाँ पर बाई किया और यहाँ पर आपका सेल दिख रहा है और यहाँ पर जो आपका प्राइस रहा होगा वह आपके फंड में यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐड हो चुका है। मैंने मार्जिन यहाँ पर जो है पहले भी मैंने यूज किया 52 रुपये, जो कि अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अवेलेबल टू ट्रेड में 48 रुपये मेरा शो हो रहा है। अब यहाँ पर ऑर्डर्स में आना है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपका कितना जो है फायदा हुआ है और कितना जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है। इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर फंड्स यहाँ पर पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका मार्जिन दिखा जाए, प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर अभी मुझे जो है 0 रुपये का घाटा हुआ है और 0 रुपये का लाभ हुआ है, यानी कि 1 रुपये का मुझे ना ही लाभ हुआ है और ना ही मेरा पैसे में से किसी चीज़ का कटौती हुआ है, क्योंकि मैंने जितना मैं खरीदा उतना में ही मैंने इस शेयर को बेच दिया है। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर अप स्टॉक में किसी भी शेयर को बाई कर सकते हैं और किसी भी शेयर को सेल कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मैंने जो है इसका स्टेप्स मैंने आपको बता दिया। आशा करूँगा वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार का वीडियो आपको इस टाइम पर मिलता रहता है। मिलते हैं ऐसे में वीडियो साथ एक नेक्स्ट वीडियो।